पुट योर हेडफोन्स ऑन, मैं आज आपसे कुछ पर्सनल बातें करने वाली हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिश्ते के लिए इंडिया बुलाया हुआ था। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, आई वॉज स्टिल सिंगल देन। मैं उन दिनों जर्मनी में रहती थी। मुझे बुलाया गया कि मैं लड़के और उसकी फैमिली से मिल लूँ और वो लोग मुझसे मिल लें। आई वॉज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट, आई वॉज यंग, आई वॉज इंडिपेंडेंट। सच पूछिए तो मुझे यकीन था कि मेरी जैसी लड़की को कौन नहीं पसंद करेगा। खैर, उस मुलाकात में वो लोग ये जानना चाहते थे कि एज अ जर्नलिस्ट मैं करती क्या हूँ, फील्ड में काम करती हूँ या डेस्क पर होती हूँ। और इससे पहले कि मैं अपने काम के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ बता पाती, समवन इन द फैमिली सेड समथिंग वेरी शॉकिंग। You're listening to BBC podcast, Drama Queen. उन लोगों को बताया गया, असल में समरा इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। वो जो कुछ भी करती है बहुत सलीके से करती है। समझ लीजिए कि समरा ने अगर झाड़ू भी लगाई है तो आप बता सकते हैं कि आज झाड़ू समरा ने लगाई है। थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या झाड़ू लगा लेना मेरी सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी काबिलियत है। लेकिन मैं ये समझ गई थी कि उस एक लम्हे की बेचैनी में लड़की वाले लड़के वालों को ये बता देना चाहते थे कि लड़की को उसकी काबिलियत, उसके अचीवमेंट्स की बुनियाद पर जज मत कीजिए। एक ऐसी लड़की की तरह मत देखिए जो काबिल है या जो ख़ुद को एक अचीवर की नज़र से देखती होगी, बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह देखिए जिसे पता है कि समाज में अच्छी लड़की कौन कहलाती है, किन खूबियों की बुनियाद पर एक लड़की को शादी के लिए पसंद किया जाता है। जो बात है होठों पे ला के देखी। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, अपने इर्द गिर्द नजर घुमाइए, आपको महसूस होगा, आपको नजर आएगा कि बहुत सी कहानियां ऐसी ही हैं। बात सिंपल है, कुछ बातें इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं कि उनकी शिकायत करने वाला ड्रामा क्वीन कहलाता है, शायद जैसी मैं इस वक्त आपको लग रही होंगी। ये जब हमने लड़कियों से बात की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड गर्ल्स, बहुत प्राइड लेके बोली कि कभी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। नजरें चुरा चुके बहुत, अब नजरें मिला के देखी। तो आज ड्रामा क्वीन के इस एपिसोड में सवाल यही है कि ये कैसे तय होता है कि कम पढ़ी लिखी लड़की या नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज से आने वाली लड़की बेहतर बहू, बेहतर माँ या बेहतर बीवी साबित होगी। क्या ये फैसले वाकई लड़कियों के लिए भी बेहतर हैं? इस कॉन्वर्जेशन में मेरे साथ आप सुनेंगे शिरीन खान को, जिनका ताल्लुक इंडियन स्टेट महाराष्ट्र से है, शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। इरम हफीज इज अ प्रोफेसर इन कराचीज इकरा यूनिवर्सिटी, मीडिया स्टडीज़ की वो प्रोफेसर हैं, लेकिन इससे पहले वो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं और उसके बाद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, शी इज़ अ रिसर्चर टू। एंड फाइनली वी हैव दीपा नारायण विद अस, जिन्हें आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड में भी सुना। दीपा वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉवर्टी, जेंडर और डेवलपमेंट के इश्यूज पर एडवाइजर रह चुकी हैं, 17 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं और उनकी जो लेटेस्ट किताब है चुप, ब्रेकिंग द साइलेंस अबाउट इंडियन वुमेन, उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है जो समाज में औरतों और मर्दों के दरमियान खुशनुमा रिश्ता बनने नहीं दे रहे। सो वेलकम लेडीज, I am so glad. Thank you. Could you hear me clearly? Iram here. Hi Iram. Yes. Very quickly, मैं अगर एक चीज आपको बताऊं, आप जो अपनी कहानी सुना रही थी, मैं बड़ा रिलेट कर रही थी, क्योंकि ऐसी ही एक्सपीरियंसेस मैंने भी अपनी जिंदगी में देखे। और जिंदगी में फिर आपको मतलब ये फैसला करना पड़ता है कि किस कमी को रहने देना है। वो ये कहते हैं कि जी अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल पर्सनल फ्रंट पे भी खेलें, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, वरना फिर आपके पास चॉइस है, आप एक चीज चूज कर लें। लेकिन मैं सीरियसली चाहूंगी कि आप वो किस्सा बयान कीजिए कि बहुत जरूरी है। कौन सा वाला? ये भी अच्छा सवाल है। मैं असल में आपको बताऊं, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की हुई थी और ये वो दौर था जब आपके जाहिर है 24-25-26 साल की उम्र हो जाती है, 25 साल की उम्र थी। तो मेरे वालिद को ये ख्वाहिश थी कि भाई अब शादी हो जानी चाहिए, एटलीस्ट शादी ना हो, रिश्ता तय हो जाए। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो या जर्नलिज्म हो, आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास डेडलाइंस होती हैं, शाम में काम आ जाता है। तो इसी तरह का सिलसिला मेरे साथ कोई दो दफा हुआ कि रिश्ते वाले आके बैठे हुए थे और मुझे मेरी वालदा ने बताया था एक दिन पहले या सुबह फोन करके कि भाई शाम को जरा टाइम से घर आ जाना, मगरिब की अजान एक क्राइटेरिया होता है कि मतलब वही 6-7-5 बजे तक आप आ जाइएगा जैसे।
उस दिन ये हुआ कि हमारे पास कुछ कैंपेन आ गई और बॉस ने कह दिया कि जी ये करके जाना है। मैं क्रिएटिव्स में थी, कॉन्सेप्ट कॉपी राइटिंग मेरा काम था, जब तक कैंपेन रेडी नहीं होगी आप जा नहीं सकते। तो मैं नहीं पहुंच पाई और मैंने अपनी वालदा को बताया, मैंने कहा भाई आप देख लें उनको मना कर दें, लेकिन वो संभव ऐसा हुआ कि दे रीच देयर, मतलब मेरे घर पहुंच गए। बहरहाल मैं नहीं पहुंच पाई टाइम पे। जब मैं पहुंची तो काफी लेट हो गया था, एक दफा तो ये हो कि वो चले गए थे, दूसरी दफा ये हुआ कि वो बैठे हुए थे और मैं पहुंची। तो वो मेरे वालिद जो है वो खुल के तो नहीं मुझे प्रोफेशन से रोकते थे या करियर से, लेकिन वो बड़ा खामोश हो गए बिल्कुल। उन्होंने मुझसे एक दो दिन बात नहीं की और नाराज की, और फिर उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि भाई इससे कहो कि ये या तो मैनेज करे, शाम तक आ जाए करे, वरना फिर ये कि छोड़ दे एजेंसी, कोई इतनी जरूरत नहीं है इस जॉब की। कोई वही वाली बात ना कि कोई मतलब हम भूखो नहीं मर रहे हैं, हम खिला सकते हैं, हम अभी तुम्हें बिठा के खिला सकते हैं, हमें हम तुम्हें बिठा और अगर करे तो कोई ऐसी जॉब कर ले जिसमें शाम 5-6 बजे घर आ जाए। तो अब ये जो चीजें प्रेशर्स होते हैं, अब वालदैन जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मुझे मैं बहुत हर्ट भी हुई और मैंने उनको कोशिश भी की थोड़ा कन्विंस करने की, बट देन आई रियलाइज कि शायद वो खुद भी हुई सोशल प्रेशर का शिकार है। उनको ये लग रहा है कि भाई अब 25 साल की हो गई है तो इसकी कहीं तरह होता है हो जाना चाहिए रिश्ता, और ये कि फिर चाहे शादी 1-2 साल बाद करे, बट ये है कि वो फिर आपको कई प्रेशर्स आप पे इस तरह के होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड देन आई डिसाइडेड कि अच्छा इतने प्रेशर में मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रही हूँ एजेंसी में भी, तो आई डिसाइडेड, मैंने कहा ठीक है मैंने ब्रेक लिया और उसी ब्रेक में मेरा रिश्ता तय हुआ और उस दौरान में मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एजुकेशन सेक्टर में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करूं और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाऊं। तो ये डिसीजन मेरा कॉन्शियस खुद लिया था, लेकिन समहाउ इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रेशर्स थे, सोशल प्रेशर्स थे, क्योंकि जाहिर है आप भी मतलब एक पॉइंट पे आके कई हर महास पे लड़ते लड़ते थक भी जाते हैं। दीपा, पिछले साल आपको याद होगा नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी इंडियन मैच मेकिंग, बड़ी उसकी धूम थी, बहुत बात हो रही थी, और उसके बाद इंटरनेट पर एक रिएक्शंस की वेव आई जिसमें बहुत सी लड़कियों ने बड़ी सारी शिकायतें की कि असलियत जो एक्चुअली शादी की दुनिया की है उसकी तो इसमें बात नहीं की गई। ट्विटर पर एक यूज़र प्रेरणा लिडू ने लिखा था, मैं अपने स्कूल की सबसे ज़बरदस्त स्टूडेंट्स में से एक थी, लेकिन घर पर मुझे मुस्तकिल ये सुनने को मिलता था कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरे लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब if you will be an achiever, it'll be very difficult for us. इसी तरह इशिता नाम की एक यूज़र ने ट्वीट किया कि जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी आंटी जो खुद एक MD सर्जन है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ जाऊँगी तो मेरे लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लड़कों को शादी के लिए कम पढ़ी लिखी लड़कियाँ पसंद होती हैं। ये जो पेरेंट्स को दीपा ये जो डर होता है कि अगर हमारी बच्ची बहुत काबिल, बहुत लायक, बहुत इंडिपेंडेंट एजुकेटेड हो गई तो शायद तन्हा अकेली रह जाए लाइफ में, हो सकता है इसको कोई ना मिले, ये आ कहाँ से रहा है ये फियर? ये बिल्कुल वहाँ से आ रहा है जहाँ से हमारी डेफिनेशन शुरू होती है अच्छी लड़की कैसी लड़की होती है। और जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि लड़की को एडजस्ट करना है, ये नहीं सोचते हैं कि हम अपनी लड़की को कैसे बर्बाद करें, ये कोई पेरेंट नहीं सोचता। पेरेंट्स हर तब यही सोचते हैं अपनी लड़की के लिए सबसे बढ़िया फ्यूचर कैसे करें, और वो सब है सब खाली ये एडजस्ट करने के चक्कर में, ताकि लड़की ऐसी होए जो जहाँ भी जाए जो कुछ भी करे वहाँ औरों को खुश रखे और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाएगी तो फिर तो कैसे निर्भर हो जाएगी तो औरों की सुनेगी नहीं, अपनी सुनेगी। और जो जहाँ अपनापन आ जाता है, जो सोचते हैं, जो इसलिए बोलते हैं कि जो लड़की अपने आप का सोचती है उसको हम सेल्फिश, अग्रेसिव, अच्छी नहीं, गंदी लड़की बोलते हैं। पता है क्या, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है शादी के बारे में, उसमें ही एक बेसिक फ्लॉ ये है कि एक ऊपर और एक नीचे है। तो जब एक ऊपर और एक नीचे है तो एक ताकतवर होगा तो दूसरा कमज़ोर होगा। ये शादी में जो हम देख रहे हैं, जो एजुकेटेड लड़कियाँ दिल्ली में हमसे बोलती हैं, शादी के मौके पर खुशी होती है लेकिन शादी में नहीं, बार बार हमने यही सुना, क्योंकि लड़कियों को अपने ख्वाहिश अंदर रखने पड़ते हैं। अब मैंने ये भी देखा कि कई इतने जो रिसर्च के एक जगह भी, एक फैमिली में भी ये मैंने नहीं देखा कि लड़के ने अपना जॉब छोड़ दिया क्योंकि लड़की को बहुत अच्छा जॉब कहीं और मिला।
हरदम लड़की जॉब छोड़ रही है ताकि वो एडजस्ट कर ले और कहीं और, दिल्ली से बम्बई चले जाए या कहाँ चले जाए, ताकि आदमी का करियर बढ़ता जाए। अच्छाई की जिम्मेदारी लड़कियों पे है क्योंकि लड़के तो हर हाल में ही अच्छे हैं, वो तो बिल्कुल है ना, वो सवाल की कैटेगरी में ही नहीं है। दीपा नारायण ने अपनी टेड टॉक में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, ऑन वन हैंड वी लव आवर डॉटर्स, ऑन द अदर हैंड वी क्रश देम। बेटी को रिवायती डेफिनेशंस के मुताबिक एक अच्छी लड़की बनाने के नाम पर हम उसके ख्वाबों को, अरमानों को कुचल देते हैं और उन्हें ज्यादतियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार करते हैं और इसे नाम देते हैं एडजस्टमेंट। मुझे तो ये हैरानी होती है दीपा, मैं ये सोचती हूँ कि जब ये कहा जाता है कि तुम्हारी खुशी नहीं लोगों की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि अगर मैं खुश नहीं हूँ क्या मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश कर सकती हूँ? क्या मेरी उदासी, मेरी मायूसी ट्रांसफर नहीं होगी लोगों में? बिल्कुल होगी, लेकिन ये भी हमको अच्छी लड़की वो है जो अपने दुख बिल्कुल अंदर छुपा के रखती है ताकि किसी को कभी मालूम भी न पड़े। और ये जब हमने लड़कियों से बात की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड गर्ल्स, बहुत प्राइड लेके बोली कि कभी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। अगर आप पुरानी हिंदी फिल्म्स देखें तो हीरोइन को बहुत सफरिंग दिखाते हैं, तो ये सब डिवाइड भी अंदर बहुत चला जाता है कि अगर अगर हम बहुत खुश हैं, समथिंग इज रॉन्ग, हम अच्छे नहीं हैं। शिरीन, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस डिस्कशन? Oh, I am enjoying it. नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने बताइए, आप एक छोटे से इलाके से आती हैं और आप वकील बन गई, वकालत आपने चुन ली, किसी ने आपको डराया नहीं, आपसे कहा नहीं कि ये तुम क्या कर रही हो, अकेली रह जाओगी, बड़ा मुश्किल रास्ता है, तुमसे कौन शादी करेगा? क्योंकि मुझसे तो बहुत लोगों ने कहा था जर्नलिस्ट बन गई तो तुमसे कौन शादी करेगा। नहीं, ये बात तो बहुत पहले ही उठ चुकी थी। मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव है, मतलब माय पेरेंट्स और मेरी नानी दादी दोनों, तो ये इनका एक जो एक ग्रुप था, मुझे प्रोटेक्ट करके रखा काफी सालों तक, तो मुझ तक तो ये बातें नहीं पहुंची थी। पर जैसे मैंने सोचा कि अब चलो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तब लोगों ने फिर सीधा बोलना चालू किया कि शादी का क्या, आगे क्या। अच्छा, आगे का क्या ये मतलब नहीं होता कि आप करियर में क्या करना चाहते हो या हाउ डू यू प्लान टू सेटल ऑन, आगे का ये मतलब होता है शादी क्या, फिर बच्चे कैसे, फिर कैसे करोगी। और ये तो फिर तुम्हारा 24 आवर्स प्रोफेशन होता है, क्योंकि लॉयर्स का तो होता ही है 24 घंटे का काम, आपका लाइफ स्टाइल होता है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। तो उसमें बहुत से सवाल आए, बिल्कुल। लेकिन शिरीन, जैसे अब आप दिल्ली में आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि कई बार आपका जब उठना बैठना, आपका सोशल सर्कल बदल जाता है, जैसे आई इमेजिन कि आपका एक बहुत पढ़े लिखे तबके में अब उठना बैठना होगा, ऐसे लोग होंगे जो ब्रॉड माइंडेड होंगे, खुली जहनीत के होंगे और उनको इन सब बातों से नहीं फर्क पड़ता होगा, क्या ऐसा है? सच्चाई आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मेरे लिए तो ये हमेशा से इशू रहा है कि लड़की हो तुम फिर लेट तक काम नहीं कर सकती हो क्या, फिर तुम सुबह नहीं आ सकती हो, मतलब हर चीज में आपको लिमिट किया जाता है, आपकी एक मेंटालिटी का दायरा बना दिया जाता है कि ये दायरे में तुम्हें काम करना। और सिंस आप अ वुमन, तो मेरे पास जनरली बोलेंगे कि आप मैट्रिमोनियल केसेस देखते हो क्या, डिवोर्स केसेस देखते हो क्या। मैं अपना फोर्टे कमर्शियल में बनाना चाहती हूँ, तो ये लोगों के लिए काफी अपसेटिंग हो जाता है कि आप लड़की हो के आप कमर्शियल में कैसे काम कर रहे हो, या आप सिविल क्यों ले रही हो, आप मैट्रिमोनियल केसेस देखो ना, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और सच बताओ तो मेरी फर्स्ट जॉब में काफी मतलब लॉयर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, सीनियर लॉयर्स के साथ, आपको लॉयर नहीं एक लड़की की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये अपसेटिंग होता है, बहुत अपसेटिंग होता है जब आपको आपके नाम से नहीं, अरे लड़की इधर सुनो, ये बुलाया जाता है। एज अ गर्ल एक ऐड करना चाहूंगी कि मैं खुद भी दो हिस्सों में बटी हुई हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं खुद भी एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ और मैं बहुत सी बार ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, फिर अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा गोल क्या है। वो बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि आप अच्छी लड़की, आप सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को डेफिनेटली एक अच्छी लड़की की तरह, जो दीपा जी ने एक टैगलाइन दी है कि अच्छी लड़की, हम बिल्कुल बनना चाहते हैं, हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है, आपके परिवार से ना हुई हो तो सोसाइटी से होगी, पर आपकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि आपको एक अच्छी लड़की बनना है, या आपके दिमाग में फिक्स हो गया है,
मुझे यही लगता है कि लड़कों के सामने ये मसला नहीं होता है कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए. यू विल गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, है ना. आप प्रोफेशन में भी जो करना चाहते हैं, आप जितना कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़िए, वो आपका हक है. और घर शादी के मामले में भी आप अच्छे से अच्छा डिजर्व करते हैं. लेकिन लड़कियों के मामले में कई बार आपके आपको ये खौफ होता है कि ऐसा ना हो कल को ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, नौकरी और नौकरी के चक्कर में शादी ना हो और फिर नौकरी का भी मज़ा ना रह जाए, या शादी हो गई तो जैसे माई पेरेंट्स माई फैमिली डिड नॉट वॉन्ट मी टू बी अ जर्नलिस्ट. और उस वक्त मैंने अपने आप से ये सवाल किया था कि क्या मैं अपने ख्वाबों से बेईमानी करके खुश रहूंगी, क्या जिंदगी में कभी मुझे इस बात की तकलीफ तो नहीं होगी कि उफ मैं क्या क्या कर सकती थी और मैंने नहीं किया. और मैंने एक बहुत मुश्किल सफ़र चुना, मैंने एक मुश्किल रास्ता चुना जिसमें बहुत सी नाराज़गियाँ शामिल थीं. तो इतना मुश्किल ये जो रास्ता होता है, मुझे कई बार ये लगता है कि क्या वो लोग जो हमें चाहते हैं, क्या उन्हें हमारी तकलीफ से तकलीफ नहीं होती. इंडिया में और साउथ एशिया में, एक्चुअली दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में अभी फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ताकतवर है. तो फैमिली में जो प्यार है वो तो सब लोग को अच्छा लगता है, लेकिन वो प्यार कंडीशनल प्यार है कि अगर तुम हमारी सुनो तब हम तुम्हें प्यार करेंगे, तब हम तुम्हें प्यार करेंगे. अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो हम लोग ने अभी इतनी बात नहीं की, कि लड़कियों का फ्यूचर, लड़कियों की जिंदगी बदलने में, लड़कियों की शादी करियर सब बदलने में आदमियों को या लड़कों को बदलना है. जब तक लड़के और आदमी लोग नहीं बदलेंगे तब तक जो कुछ भी हम औरतें कर लें उसमें बहुत मुश्किल पड़ेगी. चांद आधा रात आधी है फिर किस काम के, साथ आधा बात आधी है बस फिर नाम के. हर साल हम अखबारों में देखते हैं कि द गर्ल्स ओवर परफॉर्म्ड बॉयज बोर्ड्स एग्जाम्स में, उनके बहुत अच्छे नंबर आए, लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर आए. लेकिन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अभी भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने की जो लड़कियों की तादाद है वो बहुत कम है. हाँ, मेडिकल में ये है कि हाँ पिछले 5 सालों में कि उसमें लड़कियों की परसेंटेज बहुत हाई थी, 13.5 लाख में से 8.5 लाख लड़कियाँ ही थीं. सो जो एक कॉन्सेप्ट है कि देखें कुछ पेशे हैं जो लड़कियों के लिए ठीक हैं, कुछ हैं जो ठीक नहीं हैं. आप टीचर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, ठीक है, मुनासिब है, ऐसा थोड़ी है कि हम आपको रोक रहे हैं. लेकिन अब ये नहीं है कि आप कुछ भी बनना चाह रहे हैं. पाकिस्तान में किस तरह की सिचुएशन है? ये बड़ा मजे का क्राइटेरिया है कि जब वो शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं ना, वो कहते हैं कि डॉक्टर बहू चाहिए जो गोल रोटी बना सके. समझिए बात, डॉक्टर बहू जो गोल रोटी बना सके. तो मतलब कहने को ये कि वो डॉक्टर होना उसका एक तुर्रा इम्तियाज है, एक उसका एडिशनल आप यूएसपी कह लें, लेकिन करियर परस्यू नहीं करना है, बनाना गोल रोटी ही है. आपने जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल यहाँ पे 16 आने पाकिस्तान में है, बल्कि मामलात कुछ इससे भी ज्यादा गंभीर हैं. प्रोफेशनल कॉलेजेस की आप बात जो कर रही हैं, तो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज में हार्डली जो है 9-10%, ये भी एक मोहताद अंदाजा है कि अब जाके 2021 में लोग पहुंच पाते हैं. और उसमें भी अगर आप बात करें जब प्रोफेशन या करियर चूज करने की बात आती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 3 शोबे हैं जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर समझे जाते हैं या बहुत मौजू खवातीन के लिए समझे जाते हैं लड़कियों के लिए, एक है तालीम का एजुकेशन, दूसरा है तिब सेहत का यानी हेल्थ कि डॉक्टर बन जाएं या नर्स बन जाएं, और तीसरा है समाजी सरगर्मियां सोशल वर्क. और इसकी जो कोर है वो ये बनती है कि जो खवातीन है लड़कियां उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वही जो बात अभी दीपा ने कही कि हमारे जहन में ये होता है कि लड़की का काम है दूसरों का ख्याल करना, दूसरों की केयर करना, अगली नस्लों की तरबियत. तो अगर आप देखें जो 3 शोबजात हैं यानी तालीम तिब और सोशल वर्क, ये कई इसमें जो कोर है वो यही है कि जी दूसरों का ख्याल करना, ग्रूमिंग करना, तरबियत करना, केयर करना. उसमें भी मजे की बात है कि एक रिपोर्ट है रीसेंट बिल्कुल,
और वो हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने पब्लिश की, उनका कहना है कि जी 60% से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में लड़कियां होती हैं, लेकिन उनमें से हार्डली आधी लड़कियां 36% जो हैं वो करियर परस्यू करती हैं, यानी वो डॉक्टर्स बनने के बाद जितना उन पे इन्वेस्ट होता है वो अपने एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर कंटिन्यू करती हैं, मेजॉरिटी गिव अप कर देती है उसके बाद, वो अच्छी लड़कियां बन जाती हैं उसके बाद, क्योंकि असल में हमारे यहाँ सिनेरियो ये बन रहा है कि हमारे यहाँ जैसे अगर मैं पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करूँ खास तौर पे, और शायद किसी हद तक आई एम नॉट श्योर, लेकिन दीपा बताएंगी कि इंडियन सोसाइटी में शीरीन बताएंगी क्या सिचुएशन है, लेकिन हमें जनरली ये नजर आता है कि जो बहुत एलिजिबल बैचलर्स हैं लड़के खास तौर पे, जो फील्ड में भी अच्छा काम कर लेते हैं करियर में भी और जिनके पास डिग्री है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस किस्म की लड़कियों को उमूमन ज्यादातर मेजॉरिटी पसंद करते हैं वो वही लड़कियां होती हैं जो कि जैसे कहते हैं ना कि वो ठीक है अगर वेल क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक खास स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया बनाया हुआ उन्होंने जिसमें ये है कि वो उनके लिए एक किस्म की जैसे कहते हैं कि ट्रॉफी होती है उनके लिए, वाइफ्स होती है, ट्रॉफी वाइफ्स होती हैं, और करियर परस्यू करने को अगर बात की जाए तो ऐसी खवातीन जो कि शायद एमबीए भी हों या जैसे मैंने कहा एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या दूसरे प्रोफेशंस में हैं, वो ये उन्हें लगता है कि वो फिर चॉइस नहीं है उनके पास, अगर मैं वेल ऑफ हूँ मैं वेल एस्टेब्लिश हूँ करियर में तो मेरी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है। मतलब यहाँ पे लड़की के लिए या औरत के लिए हमारी सोसाइटी में, और ये इनग्रेन्ड है कि उसके लिए करियर परस्यू करना या अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज करना या अपने ख्वाबों की तकमील वो कोई उसकी यानी बुनियादी जरूरत या हक नहीं है, बल्कि एक्चुअली अगर हम वो दे रहे हैं तो वो उसको हम एक किस्म की लग्जरी दे रहे हैं या उसको प्रिविलेज दे रहे हैं या हम उस पर एहसान कर रहे हैं। तो फिर उसमें ये मामलात आ जाते हैं कि अगर आपने आपको एलिजिबल बैचलर्स चाहिए और आपको अच्छा पार्टनर चाहिए तो एक खास एज तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, और करियर अगर आपने ठीक है प्रोफेशनल डिग्री ले भी ली है तो करियर का फैसला आप ना करें, बेहतर है करियर परस्यू ना करें, या करें तो हस्बैंड की मर्जी से करें या जब टाइम हो तो कर लें। तो ये एजुकेटेड क्लास में भी ये बहुत ज्यादा इनग्रेन है। तो मतलब यानी औरत के लिए लड़की के लिए ये जो करियर चॉइस है ये कहीं सेकेंडरी है, और वही कि जी आपका बुनियादी रोल जो है वो होम मेकर है, और होम मेकर भी वो जिसका काम घर चलाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना और हस्बैंड के लिए ट्रॉफी वाइफ बन के रहना है, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग क्यों ना करते हो, मेजॉरिटी, उसमें एक्सेप्शंस आप हटा दीजिए। इंडिया में भी हमने जब चुप किताब लिखी तब भी हम भी यही सुनते थे, लड़की को डबल ड्यूटी करनी है, अगर काम करे तो ठीक है लेकिन शाम को गरम फुलका बनाना है। और हाँ। मुझे तो होल रोटी भी बनाने आती है, और मैं तो खाना भी बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, सफाई भी बड़ी अच्छी कर लेती हूँ और काम भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ, पर दिक्कत वही है कि जब आप करियर आप एकदम फोकस्ड हो और जब आपका आपको पता है कि ये लड़की टस से मस नहीं होने वाली करियर के मामले में, तो बोलते हैं यार वो नहीं चलेगा, वो थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब मेरी तो काफी बार बात इसी पे अटक जाती कि मैं अपना काम थोड़ी ना छोड़ूंगी। इरम ये जो ये बात अभी शिरीन ने कही ये वही वाली बात है कि जो कहते हैं कि प्रोफेशनल औरत एक अच्छी माँ एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। ये बहुत सवाल उठते हैं, इनिशियली मुझे बड़ी फिक्र होती थी इसकी कि मैं एक अच्छी माँ साबित हूँ, और एक साल बाद मैंने उस चीज को रिज्यूम किया अपने करियर को और फिर पढ़ाई भी शुरू की, और बल्कि डबल मेहनत के साथ और डबल स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन शुरू के साल बड़े मेरे लिए चैलेंजिंग थे। एक चीज जो आप सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अगर आपका क्लोज सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, जैसे शीरीन ने कहा कि उनके पेरेंट्स हैं, और वही वाली बात है आपके ब्लॉग में भी मैं पढ़ रही थी कि बहुत सारी औरतों की आपने बात की जिनके पीछे एक ऐसा आदमी है जिसने जिसने उस सपोर्ट से उनकी उनके ख्वाबों को उनकी नो बहुत सारी एस्पिरेशंस को पॉसिबल बनाया। जैसे वो कहते हैं ना कि किसी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये कोई बात नहीं करता कि कामयाब होते होते रह गई किसी औरत के पीछे किसका हाथ होता है, क्यों 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 आदमी खड़े होकर है ना औरत को भी उस तरह सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। और जो इस तरह के प्रेशर्स बिल्ड होते हैं कि नौकरी भी करोगी तो घर कैसे चलेगा, तो अगर नौकरी दोनों पार्टनर कर रहे हैं तो घर भी दोनों क्यों नहीं चला सकते। आधी आधी जिंदगी है साथ आधा है,
ड्रामा क्वीन के इस गाने को लिखते वक्त मेरे जहन में मुसलसल एक ख्याल चल रहा था, वो कौन से अल्फाज हों जिनसे मैं कह दूं कि जिंदगी यूं आधे अधूरे साथ में बहुत मुश्किल हो सकती है। वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो यकीन दिला दें कि एक दूसरे का हाथ थाम कर तो देखिए, मैं और तुम के दायरों से निकल कर तो देखिए, मिलकर ख्वाब सजा कर तो देखिए, जिंदगी बहुत खुशनुमा हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने, जो अभी एरम बोल रही थी, कि अपने आप में बिलीव करना है, और जो आवाज़ें आती हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, उनको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और जो आवाज़ आती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, इनकरेज करती हैं, उनको ढूंढो और उनको अपने पास अपने दिल में रखो। दीपा, जब हम चेंज की बात करते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें यूँ करना होगा, तो चेंज इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी, और कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उसके लिए कि हमें क्यों करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करना होगा और उससे खुद लड़कों को और आदमियों को भी क्या फ़ायदा होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की को पढ़ाओ तो पूरी फैमिली को पढ़ा दे रहे हो। क्योंकि लड़कियाँ चाहे काम करें चाहे न काम करें, चाहे घर पे रहें या चाहे माँ बने चाहे नाम नहीं माँ बने, ज़्यादातर लड़कियाँ औरों का भी सोचती हैं। तो वो जब औरों का सोचती हैं और खुद बदल गई हैं तो उनका इम्पैक्ट औरों पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम चीज़ों को खुद बदलना चाहें कैसे, हम खुद तो पूरी समाज को तो नहीं बदल सकते, तो हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें? जहाँ पे हो वहाँ से शुरू करो। अगर आप अभी घर पे हैं तो घर पे अपने घर में शुरू करें, अगर काम पे हैं तो काम पे शुरू करिए। और दो क्वेश्चंस पूछें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूछे हैं, एक तो व्हाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं। अगर हम ये क्यूरियोसिटी अपनी ज़िंदगी में लाएं हर चीज़ के लिए, क्यों ये क्यों कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती, इसको क्यों परमिशन नहीं चाहिए और मुझको परमिशन चाहिए, ये छोटी छोटी बातों से बहुत बदलाव आ सकता है। और दूसरा, एक दूसरों को सपोर्ट करो। अगर किसी के साथ जाती होए चुप नहीं रहें, बोलें। क्योंकि कई बार जो पहले बात हुई थी कि पेरेंट्स ऐसे क्यों करते हैं या हस्बैंड्स ऐसे क्यों करते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि लड़कियां अपने ख्वाहिश अंदर रख रही हैं या कुचल रही हैं। बिल्कुल सही। एक तो हम रोल मॉडल्स ढूंढते रहते हैं, तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। मैं अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जब मैं करियर शुरू कर रही थी और मैं आसपास नजर दौड़ाती थी तो बहुत कम मुझे रोल मॉडल्स फीमेल्स नजर आती थी जिन्होंने स्टैंड लिया, नजर आती थी ना। लेकिन जनरली मैंने क्या देखा कि या तो वो तन्हा है, मुझे ये बताया गया और ये बार बार बावर कराया गया कि जो खवातीन करियर चूज करती हैं तो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हो तो वो या तन्हा रह जाती हैं। और कई लोगों ने कहा कि जी जर्नलिज्म में जो खवातीन जाती हैं और मीडिया में और फील्ड्स में, या तो वो डिवोर्सी होती हैं या वो विडो होती हैं या वो शादी नहीं करती हैं। तो इस किस्म की बातें हमारे माशरे में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उस चीज को, उस बैरियर को, उस इल्यूजन को तोड़ना होगा, रोल मॉडल नहीं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सुनकर हौसला मिलता है कि यस दिस इज अचीवेबल, दिस इज डूएबल। और ऐसा नहीं है, हमें बदनुमा तस्वीर दिखाई जाती है चीजों की, लेकिन तस्वीर खुशनुमा भी होती है, अच्छी तस्वीर भी होती है। एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स एट होम। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ये जो आपने बोला था कि यू नो बहुत अकेले अकेलेपन, बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत थकावट होती है। यस बिल्कुल, ये हम लोग जिसने भी कुछ काम किया है वो सबको फील होता है। दीपक, कोई मुझसे कहता है कि ओ वाओ यू आर सो सक्सेसफुल, यू आर डूइंग वेल, और मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा एनर्जी तो मेरी सर्वाइव करने में निकल गई, सिर्फ बच बचा के चलने में खर्च हो गई। मेरी जिंदगी में मेरे क्लोज फ्रेंड्स या सपोर्ट नेटवर्क नहीं थे, लेकिन आजकल व्हाट इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्योंकि हम जानते हैं, रिसर्च से जानते हैं कि जब औरतें, आदमियों का भी एग्जैक्टली द सेम, लेकिन मैं औरतों की बात कर रही हूँ, जब औरतें एक दूसरों को सपोर्ट कर देने लगती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अगर सर्कल बन जाता है, मैं उनको बोलती हूँ चुप सर्कल,
ताकि आपको, अगर आप बहुत दिक्कत में है, अगर आप किसी को फ़ोन उठा के बात कर सकती हैं, ताकि वो आपको कोई मदद ऐसे नहीं दे पाए, खाली सुन ले, तो उससे ही बहुत हौसला बढ़ता है। I think we have covered so much and such interesting things. Thank you so much, ladies. Thank you. बहुत अच्छा लगा सबसे बात, सबकी बात सुनने में। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बार बार ऐसे पोस्ट सामने आए जिन्हें देखकर लगा आखिर मदद मांगने वाले पर दरवाजे बंद क्यों कर दिए गए, क्यों मदद पहुंचाने में देर कर दी गई। तुम्हारा शोहर तुम्हें पीटता है, हमारी पड़ोस में पता है ऐसे हुआ है, उसके तो शोहर ने उसको पकड़ के घर से ढकेल दिया। मतलब नसीब का एक फ्रेज, एक जुमला आपके सामने आ जाता है। अगर आप अपनी बेटी के साथ खड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका घर खराब कर रहे हैं, आप तो उसके पावर हैं। नजरें चुरा चुके बहुत, अब नजरें मिला के देखे। अगले एपिसोड में चलिए एक बार फिर मिलकर अपने दिल टटोलते हैं, लेकिन तब तक सबको, आई मीन सबको बता दीजिए बीबीसी उर्दू के पॉडकास्ट ड्रामा क्वीन के बारे में। अपने दिल की बात हमसे कहिए #DramaQueen के साथ लिखकर। एंड एज यू नो, दिस पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन ऑल बीबीसी उर्दू एंड हिंदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। एंजॉय द म्यूजिक एंड स्टे इन टच विद अस। सफर के बोझ को मिलकर उठा के देखें, नजरें चुरा चुके बहुत, अब नजरें मिला के देखें, लब पर रुके जो साज है वो गुन BBC.